अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन मैक्रोनी पास्ता। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है ये चिकन पास्ता, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे, फिर इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, बारीक चॉप की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज है ये। प्याज को फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है प्याज को। तो यहाँ देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे चिकन, 200 ग्राम बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट की हुई। इसी के साथ ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और भून लेंगे इन सब चीज़ों को। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 बड़े टमाटर की प्यूरी मैंने ऐड की है और इसी के साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने पास्ते में भी ऐड किया है बॉईल करते वक्त, तो इसीलिए देखकर थोड़ा ही ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे। टमाटर का पानी ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, बस एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पर ओरिगैनो ऐड किया है मैंने, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। चिली फ्लेक्स भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले। मिक्स कर लेंगे एक बार इन चीज़ों को, फिर 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे सारे मसालों को, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून और विनेगर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। फिर से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर हॉट एंड स्वीट सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो 2 टेबल स्पून आप टमेटो सॉस और 1 टेबल स्पून आप चिली सॉस ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सॉस ऐड करने के बाद भी। तो ये मुझे ज़्यादा ड्राई लग रहा था, मैंने बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है 2 से 3 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पास्ता हमने बॉईल करके रखा था, 250 ग्राम पास्ता है जिसे बस थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड करके मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे ड्रेन कर लिया था। पास्ता ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है ये चिकन पास्ता, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखिए यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब बस कवर करके इसे 2 मिनट के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। तो हमारा चिकन मैक्रोनी पास्ता यहाँ पर बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।